नमस्कार दोस्तों, स्वागत है एक बार फिर से आपका हमारे YouTube चैनल पर। आज के इस वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं कि आप YouTube पार्टनर प्रोग्राम की नई टर्म को कैसे एक्सेप्ट कर पाएंगे। अगर आप जो है मोबाइल में खोलेंगे तब भी उसके YT स्टूडियो में आपको इस प्रकार से नोटिफिकेशन देखने के लिए मिल सकता है। अगर आप कंप्यूटर या PC में खोलेंगे तब भी जो है आपको इस प्रकार से नोटिफिकेशन देखने के लिए मिल सकता है। ये इसलिए दिख रहा है क्योंकि अब जो है आप लोग शॉर्ट्स से भी पैसा कमा सकते हो, शॉर्ट्स भी जो है मोनेटाइज अब किए जा रहे हैं। तो इसलिए जो है इसमें बताया गया है कि आपको जो इनकी YouTube पार्टनर प्रोग्राम की नई टर्म है आपको इसे एक्सेप्ट करना है। यहाँ पे देख सकते हैं, एक्शन रिक्वायर्ड एक्सेप्ट न्यू टर्म टू स्टे इन द YouTube पार्टनर प्रोग्राम एंड स्टार्ट अर्निंग शॉर्ट्स एड्स रेवेन्यू। तो आपको जो है ये टर्म आपको एक्सेप्ट करना होगा। इसके लिए यहाँ पे रिव्यू एंड एक्सेप्ट का ऑप्शन दिया है, आप यहीं से जो है जाके इसे कर सकते हैं। तो अभी हम आपको आगे करना बताएंगे कैसे आपको करना है, लेकिन उससे पहले जो मेल आया है, जो मेल सभी को मिला है, उस मेल को मैं आपको दिखा देता हूँ। तो यहाँ पे देख सकते हैं ये मेल लगभग जो है सबको मिल गया होगा। जो आपके YouTube से जुड़ा ईमेल आईडी होगा उसको आप ओपन करेंगे तो ये आपको देखने के लिए मिल जाएगा। और यहाँ पे देख सकते हैं ये सितंबर में ही अनाउंस कर दिया गया था कि आप जो है आप YouTube सोर्स से भी पैसा कमा सकते हो। और जो है इसके लिए आप क्या करेंगे कि यहाँ पे बताया गया है कि 1 फरवरी 2023 से आप लोग पैसा भी कमा पाएंगे। अगर आप जो है इनकी टर्म को एक्सेप्ट कर लेते हो तो 1 फरवरी 2023 से आप सोर्स से भी जो है पैसा कमा सकते हैं। लेकिन इसकी डेट है कि 10 जुलाई 2023 से जो है पहले पहले आपको कर लेना है, या फिर 10 जुलाई 2023 तक इनकी टर्म को आपको एक्सेप्ट कर लेना है। अगर आप नहीं करते हैं तो उस केस में क्या होगा कि आपका चैनल जो है डीमोनेटाइज किया जा सकता है। यहाँ पे देख सकते हैं लिखा है, इफ़ यू अपडेटेड टर्म आर नॉट एक्सेप्टेड योर चैनल विल बी रिमूव फ्राम द यूट्यूब पार्टनर प्रोग्राम। अगर इनकी जो भी अपडेटेड इनकी टर्म्स है अगर आप उसे एक्सेप्ट नहीं करते हो तो आपका चैनल डीमोनेटाइज कर दिया जा सकता है। तो इसलिए जो है आपको ये काम कर लेना है। भले ही आप शॉर्ट्स ना बनाते हों या फिर भले ही आपका चैनल पहले से मोनेटाइज है, लेकिन इस टर्म को आपको एक्सेप्ट ही करना है। तो इसके लिए अब हम सबसे पहले चलते हैं अपने जो है YT स्टूडियो के डैशबोर्ड में। अब डैशबोर्ड, अब आप इसे जो है मोबाइल में भी कर सकते हो, सेम ही प्रोसेस मोबाइल में भी है। मोबाइल के लिए हम एक अलग सा वीडियो बना देंगे। तो आपको क्या करना है, यहाँ पे रिव्यू एंड एक्सेप्ट वाले ऑप्शन पे क्लिक कर देना है। तो जैसे आप रिव्यू एंड एक्सेप्ट वाले ऑप्शन पे क्लिक करोगे कुछ इस प्रकार से आपके सामने पेज खुल के आएगा। तो यहाँ पे देख सकते हैं दो स्टेप में इन्होंने बनाया है। पहला स्टेप है यहाँ पे बेस टर्म और दूसरा स्टेप है वॉच पेज टर्म, जो कि वॉच पेज टर्म में आ जाता है आपका जो पूरा जो है जो लॉन्ग वीडियो होती है, और बेस टर्म जो है शॉर्ट वीडियो के लिए है। तो यहाँ पे देख सकते हैं दीज टर्म आर रिक्वायर्ड टू बी इन यूट्यूब पार्टनर प्रोग्राम। तो यहाँ पे मेरा पहले से ही लॉन्ग टर्म वाला जो है ओपन था और ये बेस टर्म वाला मैं ओपन कर देता हूँ। तो रिव्यू के ऊपर आपको क्लिक कर देना है और यहाँ पर इनकी जो भी टर्म है इन्होंने अपना पूरी टर्म और कंडीशन को यहाँ पर पूरा लिखा है, आप इसे रीड कर सकते हैं। उसके बाद नीचे जाएंगे, आई एक्सेप्ट के सामने जो बॉक्स है इस पर टिक मार्क लगाएंगे और यहाँ पे ब्लू कलर में जो एक्सेप्ट का ऑप्शन है आपको क्या करना है, इसी के ऊपर क्लिक कर देना है। अब क्लिक करने के बाद में यहाँ पे स्टेप वन देख सकते हैं, बेस टर्म यहाँ पे एक्सेप्टेड आपको दिखा रहा है और स्टेप टू में यहाँ पे वॉच पेज टर्म है। तो आपको क्या करना है, इसके भी ऊपर आपको क्लिक कर देना है और क्लिक करने के बाद में आपको नीचे जाना है, आई एक्सेप्ट के ऊपर क्लिक करके एक्सेप्ट के ऊपर क्लिक कर देना है। अब यहाँ पर देख सकते हैं ये भी यानी कि दोनों जो है एक्सेप्टेड हो गए। अब यहाँ पे हम व्यू के ऊपर क्लिक करते हैं, तो व्यू के ऊपर क्लिक करेंगे तो वही आपको टर्म ही देखने के लिए मिलेगी जो इनकी टर्म और कंडीशन है, और यहाँ पे क्लिक करोगे तो वही आपको देखने के लिए मिलेगी। तो यानी कि ये एक्सेप्ट हो गया, बस आपको यही इतना करना है करने के बाद में। और ऊपर डेट यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं, डेट इन्होंने मेंशन किया है कि जो है 10 जुलाई 2023 तक आपको कर लेने हैं। तो इससे पहले पहले या फिर 10 जुलाई तक आपको कर ही लेना है, नहीं तो आपका चैनल डीमोनेटाइज किया जा सकता है। अब आपको नीचे सबमिट वाले ऑप्शन पे क्लिक कर देना है। तो यहाँ पे देख सकते हैं स्टार्ट अर्निंग फ्रॉम यूट्यूब शॉर्ट फीड। तो यहाँ पे ये पूछ रहा है कि आप यूट्यूब शॉर्ट फीड से जो अर्निंग होनी है आपको चाहिए, तो अगर आप चाहते हो हाँ तो आपको क्या करना है, गो टर्न ऑन के ऊपर क्लिक कर देना है। अगर नहीं चाहते हो तो डू इट लेटर के ऊपर क्लिक करेंगे और बाद में भी जो है आप इसे कर सकते हैं। तो मैं यहाँ पर गो टर्न ऑन के ऊपर क्लिक कर देता हूँ और यहाँ पे आप जाएंगे तो यहाँ पे आपको नीचे जो है टर्न ऑन का ऑप्शन मिलेगा शॉर्ट्स फीड वाले में, तो आपको इसके ऊपर क्लिक कर देना है और क्लिक करने के बाद में आई एक्सेप्ट के ऊपर क्लिक करना है और एक्सेप्ट के ऊपर यहाँ पे क्लिक कर देना है। तो यहाँ पे देख सकते हैं शॉर्ट्स फीड एड रेवेन्यू शेयरिंग विल स्टार्ट इन फरवरी 2023, यानी कि 1 फरवरी से जब भी जो है एड आने चालू हो जाएंगे, कहने का मतलब
शॉर्ट्स पे, तो आप जो रेवेन्यू है मिलने शुरू हो जाए।